हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज विद एमडी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक मोरल स्टोरी है, दर्जी की सीख। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसका एक ही बेटा था। वह उसे भी अपना हुनर सिखाना चाहता था, इसीलिए एक दिन वह उसे अपने साथ दुकान पर ले आया। वहां पहुंचकर दर्जी कपड़े सीने लगा और लड़का एक कोने में बैठकर ध्यान से उसे देखने लगा। उसने देखा कि दर्जी ने पहले कपड़ा लिया और उसे कैंची की सहायता से सही आकार में काटा, फिर कैंची को अपने पैर के नीचे दबाकर रख लिया। उसके बाद उसने सुई में धागा डाला और कपड़े सीने लगा। कपड़े सीने के बाद उसने सुई को अपनी टोपी में फंसा दिया। लड़का दिन भर अपने पिता को कपड़े सीता देखता रहा। इस दौरान उसने हर बार दर्जी को कपड़े काटकर कैंची पैर के नीचे दबाते और कपड़े सीकर सुई को टोपी में फंसाते देखा। उसे इसका कारण समझ नहीं आया। जिज्ञासा के कारण उसने पूछ ही दिया, पिताजी, आप कपड़ा काटकर कैंची को पैर के नीचे दबाते हैं और कपड़ा सीकर सुई को टोपी में फंसा देते हैं, इसका कारण क्या है? दर्जी बोला, बेटा, ऐसा दोनों के काम के कारण है। कैंची का काम काटना है और सुई का काम जोड़ना। जोड़ने वाले का स्थान हमेशा काटने वाले से ऊपर होता है, इसलिए कैंची का स्थान पैर के नीचे और सुई का स्थान सिर पर अपनी टोपी पर है। सी, हमारे कर्म ही समाज में हमारा स्थान निर्धारित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे, लोगों की दृष्टि में हमारा सम्मान बढ़ेगा। वही बुरे कर्म के कारण हम लोगों की नजरों से गिर जाएंगे, इसलिए बुरे कर्मों से दूर रहे और सदा अच्छे कर्म करें। तो फ्रेंड, आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।